لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام माह मुहर्रम शुरू भी हुआ और आज मुहर्रम की तीसरी तारीख भी आ पहुँची वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और जिस शिद्दत से हम लोगों को मुहर्रम के आने का इंतज़ार था कि मुहर्रम की आमद हो और हम बीबी को पुरसा दे सकें और हमें जनाब सैदल अलैहा और इमाम हुसैन और शहदय करबला का साथ नसीब हो बस येम आ गए और तेजी के साथ सुरात के साथ गुजर भी रहे हैं नाजीन इनशा आपके सामने जो ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है और इसका जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है कि करबला दरस इंसानियत और इस हवाले से हम मुख्तलिफ प्रस्पेक्टिव में और हमें ये जहन में रखना है जैसे मैंने कल आपके सामने पेश किया था कि करबला के अंदर इंसानियत के लिए दुरुस्त मौजूद हैं लेसन मौजूद हैं लेकिन इंसानियत के डिफरेंट लेवल्स को हमें जहन में रख के चलना है वी आर अलहमदिल्ला हम लोग पैदा ही एक शया फैमिली में हुए तो हमारी क्लोजनेस इस मकतब से और उस हवाले से हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी मारफ़त इस मकतब से हमारी मारफत अहमद हार के हवाले से हमारी मारफत विलायत के हवाले से ये हमने जिसे कहते हैं कि पैदा होने से पहले जो है आवाज़ मातम को सुना है और हम जिस माहौल में पले बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह तो हर लिहाज से परस्पेक्टिव जो होगा जब बात की जाएगी कि करबला जो है वो इंसानियत के लिए दर्स है तो इंसानियत में सिर्फ शिया कौम नहीं आती इस इंसानियत के अंदर शिया से के सर्कल से आप बाहर निकलें तो मुसलमानों के दिगर फिरक़े और फिर उस मुसलमानों के सर्कल से आप बाहर निकलें तो फिर आप कह लीजिए डिवाइन रिलिजन्स का एक सर्कल आता है फिर आप डिवाइन रिलिजन्स के सर्कल से बाहर निकलें तो फिर आपको समझ लीजिए कि पोलीथियसट जो कि रिलीजस हैं बट स्टिल वो पोलीथियस्ट हैं या मुशीन हैं उसके और सर्कल से बाहर निकलें तो बिल्कुल एथियस्ट जो कि खुदा के मानने का ही इनकार करते हैं लेकिन चाहे वो एथियस्ट हो चाहे वो पोलिथी हो चाहे वो डिवाइन uh, में से किसी का ईसाइत या, या, uh, या इस्लाम का पैरुकार हो या फिर दायरा इस्लाम के अंदर हो या uh, शिनेदर करार में शामिल हो एट ऑल लेवल्स जहरे के uh, जब हम बात की जाएगी तो सब इंसानियत का ताल्लुक हर किस्म के इंसानियत जो है वो किसी भी Uh, यानी इंसान इंसानियत इनका इंसान से ताल्लुक है और करबला जो है दर से इंसानियत जो है तो गोया चाहे वो मजहब शिया से या मकतब तशयो से उसका ताल्लुक है या इस्लाम के दायरे में है या उससे बाहर है ख़ारिज है करबला के अंदर वाक़ करबला के अंदर इमाम हुसैन की ज़ात से जो हमें इसबाक मिलते हैं दुरुस मिलते हैं वो हर जिसे कहते हैं कि हर दर्जे पर हर लेवल पर अप्लाई होते हैं तो अलहमदल उसी हवाले से हम बात करेंगे और एक बहुत खूबसूरत अशार जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी जो हमें कनेक्ट करते हैं और ये ख़ास आप समझ लीजिए कि इनर सर्कल की हम बात कर रहे हैं कि इंसान किसी भी मुसीबत किसी भी परेशानी से गुजर जाता है अगर उसे मालूम है कि उसका रब उसके साथ है और करबला के वाक़े को सामने रखते हुए ये अशार अगेन मोहतरम शायर अल बैत जनाबारफ़ारफ इमाम के आ, अशार हैं जो आपके सामने दो अशार पेश कर रही हूँ ये खुले बाल ये बाजार ये लोगों का हजूम ये सख्त मसाहब थे सख्त तरीन यानी सख्त का लफ्ज भी छोटा है मुझे नहीं पता कि इससे स्ट्रॉन्ग वर्ड कैसे पेश किया जाए उर्दू ज़बान के अंदर या किसी जबान के अंदर किसी लैंग्वेज के अंदर कोई ताकत नहीं है जो उस आजमायश की कैफियत को या उस मुसीबत की लेवल को बयान कर सके जिस मुसीबत और जिस तकलीफ़ और जिस परेशानी की शिद्दत से ये कारवाने हुसैनी जो है गुजर रहा था बादस कर जबकि जहाँ जैनब सलाम्ह ने कोफो शाम के बाजारों में लोगों का सामना किया है तो ये खुले बाल ये बाजार ये लोगों का हजूम एक खुदा चाहिए इस राह से गुजरने के लिए और खुनकी अश के अजा अभी हमारी खुश नसीबी है खुनकी अश के अजा हिदत जोश मातम खुनकी अश के अजा हिदत जोश मातम और क्या चाहिए मट्टी को निखरने के लिए परविकार आलम का करम है कि उसने हमें ख़ुद की अशक अज़ा भी अदा फरमाई और जोश मातम की हिद्दत भी अदा फरमाई ताकि हम हम इससे इससे फैज़ियाब होकर इन बेहतरीन जैसे कहते हैं कि जो हमारा मक, खल, खिलकत का मकसद है उस मकसद को हासिल कर सकें नाजी आज जो दरस इंसानियत के हवाले से बात मैं करना चाहूँगी और इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत जो ये बात होती है ना कि रेसिजम की और फलाना रेसिस्ट है या यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है रेसिसम का सच्ची बात है जब हम पाकिस्तान में थे तो रेसिज्म का ये सब कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं थे यहाँ पे आके ये हमने अमेरिका में आके ये सीखा था कौमियत का लेकिन चूंकि इतना मुआनका नहीं था ज़ाहिर कि सारे जैसे कही कि भाई जब पाकिस्तान में रहे तो सारे भी अमंग ऑल ब्राउन पीपल सारे के सारे ज़हर कोले काले गोरे का तो हमारे यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट था कि भई गो के नबी करीम सलील वसलम ने अपने आखिरी में मेषाद फरमाया कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है अरबी को अज़मी पर और अज़मी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है ये सारी Uh, अफकार को जो है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया आखिरी खुतबे में भी इसको वाज किया उसके बावजूद हम ने देखा कि हम रंग की बुनियाद पर अपने बिहेवियर्स में या अपनी कम्युनिकेशन में या अपनी रिलेशनशिप्स में तफरीक करते हैं और ये रेसिज्म का Uh, यहाँ पर आके और ज्यादा uh, आप समझ लीजिए कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई या यहाँ पे माहौल ऐसा मिला कि यहाँ पे बाकायदा ज़ाहिर पाकिस्तान में तो हमें uh, यानी बाकायदा सियाफ फ़ाम लोगों uh, से सामना नहीं था यहाँ पर हमने देखा कि अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं वाइट अमेरिकन भी हैं ब्राउन भी हैं चाइनीज दी, दीगर जिसे कहते हैं रेसिस और जो हैं यहाँ पर हमें उनसे मुआनक़ा होता है और उनका सामना होता है और ये एक मसला है जो रेसिज्म का मसला है इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है जो इस्लाम की फ़िक्र है जो इस्लाम की सोच है और जो इस्लाम का पर्सपेक्टिव है वो तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया जो नबी करीम वसल्लम ने खुतबे में अपने क्लियरली का जो खुतबा था और ये खुतबे में तो अल्फाज की सूरत में जैसे कहते हैं कि आखिर में हुज्जत तमाम की अपनी पूरी जिंदगी में ये दर्ज देते रहे रसूल खुदा और खुद इसको प्रैक्टिकली करके बताया कैसे बताया कि जब बिलाल हबशी कितनी बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है बिलाल हबशी जो है वो सिया फाम थे ही वॉज अफ्रीकन और यानी उनकी रंगत जो थी काली थी और रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने उनको क्या मकाम दिया नंबर वन रंगत उनकी काली और हबशियों को उस वक्त भी ग़ुलाम और कमतर समझा जाता था और अब हजरत बिलाल जो है वो बिलाल हबशी हबशा के थे सियाफाम थे और ग़ुलाम भी थे लेकिन जब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर रसूल खुदा ने इस बात को वाज किया कि इंसान का रंग जो है वो किसी भी तरीक़े से और ये कुरान करीम की आयत है कि इन नक्रम अच्छा ये बहस बहुत तवील है और मेरे लिए थोड़ा चैलेंज होता है कि थोड़े से टाइम में मैं पैगाम के तरह पहुँचाऊँ लेकिन सिर्फ इस थोड़े से वक्त में आज जितना भी मौक़ा मिलेगा इस्लाम की ये सोच कि इंसान जो है वो रंग रंगत और नस्ली इम्तियाजा के हवाले से इस्लाम की क्या फ़िक्र है और इस्लाम की हमें मालूम है यही फ़िक्र है कि रसोल खुदा ने जिसको वाजे किया कि घोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है जनाब बिलाल हबशी को अब मस्जिद नबवी में रसोल खुदा सल्हुस ने मज़न मुकरर किया अच्छा जनाब बिलाशी के क्या क्या ड्रॉबैक्स है Uh, दुनियावी लिहाज से इट वॉज नॉट उनकी कोई शॉर्ट कमिंग्स खुदा न खासा नहीं थी वाक़ा उनके ड्रॉबैक्स नहीं थे लेकिन दुनियावी निगाह से अगर देखें अगर कोई तंग नजर इंसान ऐसे देखे तो देखेगा कि जनाब उनका रंग काला है गुलाम है और उनकी जबान में लुकनत थी यानी कि जब वो अजान देते थे तो सही तरह से अशद को उनकी जबान से शीन का जो हर्फ़ है वो उनकी जबान से सही से अदा नहीं हो पाता था और ज़ाहिर हर्फ़ शीन हमें मालूम है कि अज़ान का एक बहुत इम्पोर्टेंट अशद अशदोन्ना मोहम्मद रसोल्ला अजान है ही गवाही इन तमाम दुनियावी ड्रॉपेक्स के बावजूद रसूल करीम सल वसल्लम ने आपको मुआजिन मुकर किया और लोगों ने एतराज भी किया यानी लोगों ने रसूल करीम के पास आकर एतराज भी किया कि क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम थी यही प्रॉब्लम थी कि ये तो गुलाम है इसकी हैसियत क्या है कि ये यानी मौज़िन का खास ख़ास मरतबा यानी जिसकी कॉल पर जो है मस्जिद नबवी में नमाज़ियों का हजूम जमा हो जाए जिसकी कॉल के बाद जो है वो नमाज़ जो है उसका अहमाम किया जाए मौज़िन का भारत और एक मक़ाम है इज़्ज़त है एक मोहतरम मकाम है, है, है मौज़िन का और लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि बिलाल हबशी को मौज़िन क्यों मुकर किया गया लेकिन रसोल खुदा सल्ला वसलम ने लोगों की जानब से आने वाले हर एतराज को पसे रखा, उसे निगेट किया और हमेशा जनाब हबशी ने ही मस्जिद नबवी में अजान दी और ये शर्फ हासिल किया अलबत् रसूल करीम के विसाल के बाद हमें मालूम है कि जनाबे बिलाल हबशी ने इस जिसे कहते हैं इस अहदे के हवाले से थोड़ी सी यानी आपने इसको अजान देना रसूल करीम की याद में आपने वहां से हिजरत भी कर ली थी मदीने से आप मदीने को छोड़ भी दिया था क्योंकि जब हम रसूल करीम अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इतना महसूस करते हैं तो हमें नहीं मालूम और हम उस मोहब्बत का और उस अकीदत का और उस अच्छे अटैचमेंट और उस उसत का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो जनाब हबशी को या दीगर असाब पैगम्बर जो रसूल करीम सल वसम की मुहबत में उठते बैठते थे वो जो उनसीत महसूस करते थे और रसूल खुदा के विसाल के बाद किस तरीके से रसुल्लह की कमी को महसूस किया गया और जितना जो ज़्यादा मोहब्बत करता था उतना ज़्यादा वो कमी को महसूस करता था यहाँ तक के जनाब बिलाल हबशी ने इतना महसूस किया रसोल्ला की कमी को कहते हैं ना कि एक एक चीज़ देख कर इंसान को किसी की याद आ रही हो तो बिलाल हबशी ने मदीने को ही छोड़ दिया था अजान देना तर्क कर दिया और मदीने को छोड़ दिया था तो बाहर तर कहने का मकसद ही कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली भी और अपने खिताब के ज़रिए भी ये इंसानियत साज पैगाम पहुँचाया कि इंसान जो है उसको उसके अंदर आप तफरीक नहीं कर सकते उसकी जाहरी रंग अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी जो थोड़ा सा एक फाइन पॉइंट है कि विच इज नॉट मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू रेसिजम और जिस तरह हम कलर की बेस पे तफरीकते हैं आ, हम हम यहाँ पे भी देखते हैं क्या है यही होता है ना कि जनाब आ, कोई आ, अगर काला होता है तो उसको हम आ, जो है वो आ, हम नहीं हम कोशिश करते नहीं करते लेकिन एक जनरल एक अब मैं उस हवाले से ज्यादा तफसील में इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तू नहीं कर, करना चाह रही लेकिन जनरल जो परसेप्शन है तो उस जनरल परसेप्शन को अगर हम लेकर चलें एंड उस कंटेक्सट को अगर हम एक जनरल जैसे इंसान जो है वो किस माहौल में पला बड़ा है अगर हम इस इस पर्सपेक्टिव को लेकर किसी से हम बात करेंगे मसलन अगर कर हम किसी बच्चे से बात करेंगे अगर बच्चा जो है वो कर रहा है और हम भी बच्चे की तरह जिद करने लगेंगे तो बच्चा हमसे लोग हमसे ये कहेंगे ना ये तो बच्चों के साथ बच्चे बन गए तो हमारी बुजुर्गी किस चीज में हमारी बुजुर्गी और बड़ापन इसमें है कि हम पहचाने कि बच्चा जो है कम कम अक्ल है बच्चे को अभी पता नहीं है बच्चे को भी समझ नहीं है तो हम उसको उसी तरीके से डील करें इसी तरीके से जब हम अब इसमें रंगो नस्ल के हवाले से में बात नहीं करी इन जनरल भी वैन वी कम अक्रॉस पीपल तो अगर हम ये परस्पेक्टिव लेकर के कोई इंसान जो है किसी बैकग्राउंड से आ रहा है या ये कि मसलन उसके उसकी ही डिड नॉट फॉर एग्जाम्पल अ गुड डे या उसका एक बुरा दिन गुजरा है या वॉट एवर जो भी पर्सपेक्टिव उस पर्सपेक्टिव से आके जब हमसे वो बात कर रहा है तो हम अपनी सेंसिटिविटीज को साइड uh, पे रखकर हम ये समझने की कोशिश करें जैसे कि हमारे माम ने फरमाया कि अपने आप को सेवेंटी रीज़न्स दो बिफोर इसके कि, कि किसी के बारे में गलत राय जो है वो कायम करो यही ये बुजुर्गी जो इंसान हासिल करता है वो यही एक टॉलरेट करने से और सब्र के ज़रिए इसी तरीके से रेसिज्म में भी यही है कि जनाब हमने एक बात को uh, ये ख्याल कर लिया कि ख़ास रेस के लोग जो हैं वो एक ख़ास एटीट्यूड उनके उन, उनका एक ख़ास बिहेवियर खास एटीट्यूड होता है और उसी तरीके से हम उन्हें ट्रीट करने की या वही हमारे जहन में एक आइडिया होता है और उसी तरीके से हम बिहेव भी करते हैं लेकिन अगर हम इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को जब ये हम मिसाल देखें कि रसूल खुदा ने एक ग़ुलाम को एक मौजिम की हैसियत दी रसूल खुदा के यहाँ तो तरीक़ा यह था कि मस्जिद नबवी में जब लोग आते थे और देखते थे तो रसूल खुदा जिस तरीके से उठते बैठते थे जिस तरीके से कोई ऐसा नहीं था कि जनाब रसूल खुदा के लिए कोई ख़ास कुर्सी रखी जाए या रसूल खुदा को कोई देख के बता नहीं सकता था कि जो लोगों का हजूम है इसमें नबी खुदा कौन है यानी इतना घुल मिल के रसूल खुदा तमाम लोगों के साथ बैठते थे और चाहे कोई गरीब हो अमीर हो और हज पे देखिए हज का कितना खूबसूरत अभी ज़िलह का महीना गुजरा है हज का एक ये बहुत खूबसूरत पैगाम है नाजरीन के जब ये इंसान अहराम की हालत में होता है तो ये एक चीज़ उस पर यानी वाजिब होती है कि अगर उसको कोई बुरी यानी बदबू आए तो बदबू के लिए वो अपने नाक को बंद ना करे यानी अपने जैसे कहते हैं ना कि हम मुंह ना बनाएं और उससे कराहिएत का एहसास यानी ना करें और मुस्तकिल इंसान ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो है वो एक बुरी भूखे आते हुए जो है वो कराहत का इजहार ना करे लेकिन हमें रसूल खुदा की महफ़िल में हर तरह के जो गुलाम थे उनको यानी कोई ऐसा नहीं होता था कि जनाब साफ़ सुथरे नहाए धोए मे इतरे लगाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता था तो जो उम्रा आते थे रसूल खुदा के साथ बैठने के लिए बाज़ उमर जो है वो रसूल खुदा से तकाजा करते थे कि अगर आप इन लोगों से कहें कि ये लोग यहाँ से हट जाएँ तो फिर हम आपकी महफ़िल में आकर बैठें आपके साथ हम आकर बैठें लेकिन रसूल खुदा ने यही कहा था कि अगर आपको बैठना है तो इन्हीं लोगों के साथ आपको यहाँ पर बैठना होगा और इसी को सब सबको सबको जैसे कहते हैं ना कि मसावात का एक पैगाम इस्लाम जो है जो यहाँ पर आज जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ जो आज का मेरा यानी आप समझ लीजिए दरस इंसानियत के हवाले से जो मेरी बात है कि जो इस्लाम की फिक्र है वो ये है कि इस्लाम जो है वो रंग की बुनियाद पर इम्तियाज करने का कायल नहीं है ये चीज़ जहर है कि हमारी जिसे कहते हैं गुटियों में बैठी हुई है इसको निकलना Uh, में टाइम लगेगा लेकिन वी हैव टू काइंड ऑफ यू नो रिमाइंड कि दिस इज़ वॉट ये दरस करबला है दरअसल अब यहाँ पर आज मैं कनेक्ट करूँगी कल की भी मुझे गुफ्तु याद है और आज मेरा इरादा है कि मैं हज़रत जॉन के बारे में गुफ्तु करूं और कल मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बात छोड़ी थी जब बात हो रही थी सईद इब्ने अब्दुल्ला और उम्र बिन खुरैजा के बारे में तो मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि उम्र बिन क्रैजा के एक भाई भी थे अली इबन क्रैज़ा जो कि अली इबन क्रैजा और दोनों की शख्सियत में एक तजाद था बिन क्रैजा वो कि जो इमाम हुसैन आसम के लिए ढाल बन गए और जिनका शुमार जो है वो शहदय करबला में हुआ जबकि उन्हीं के भाई या उन्हीं का भाई जो अली इब्न कुरैजा था वो यजीद के लश्कर में था और वो जो है यजीद, यजीदियों के साथ ही वो आ, मारा गया तो बाहर तौर तो, तो ये ये एक आ, मैंने बात कल नामुकम्मल रह गई थी तो मैंने कोई ली उस पहलू को अपने कल की बात को मुकम्मल कर दिया कि दो भाई जिनका तस्करा मिलता है हमें करबला के मौके तो ये वो सारे हमने कभी इतने नाम तमाम शुदा करबला के नामों से भी हम सही से वाकिफ़ नहीं हैं और उनके हालात जो बाज बाज़ के बयान किए जाते हैं हर एक का बयान नहीं किया जाता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शादत हासिल हुई कि मैंने करबला के इन दो शहीदों के बारे में आपके सामने तस्करा किया उम्र बिन कुा और सईद इब्ने अब्दुल्ला जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नमाज की वक्त में ढाल बने तीरों को अपने सीने पर लिया और फिर वहाँ पर शाह जाम शहादत नोश किया आज जो मैं बात करना चाहूँगी वो गुफ्तगू जो हज़रत जॉन की आ, इमाम हुसैन हज़रत जॉन या जनाब जॉन शहीद करबला है इनका बैकग्राउंड क्या है कि ये अगेन जस्ट लाइक बिलाले हबशी सिया और पहले ये हजरत अबूजर गफारी के गुलाम थे उसके बाद ये इमाम हसन मुशतबा की खिदमत में आए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत के बाद और आपकी शहादत के बाद ये इमाम हुसैन आलाम की खिदमत में आ गए इन्होंने इमाम आलाम के साथ मदीने को छोड़ा मदीने से मक्के गए मक्के से करबला तक का सफर ये पूरे सफर में मुस्तकिल जॉन जो है वो इमाम हुसैन के है। और जब वक्त आया है यहाँ पर रखिए जनाब जॉन का बैकग्राउंड एक सियाह फाम गुलाम जो पहले हजरत अबूजर गफारी का गुलाम था और उसके बाद ये इमाम हुसैन अल्लाम की खिदमत में पहुंचे जब रोजे आशूर आया तो तमाम अबार इम हुसैन को आश्वीक शहादत थी कि किसी तरीके से अपनी जान का नजराना पेश करें अपनी जानों को फिदा कर दें इमाम हुसैन आ की की मोहब्बत में हजरत जॉन ने भी आगे बढ़े और रोज़ आशूर इमाम हुसैन आम की खिदमत में आए और दस बस्तर गुजारिश की ए मेरे मौला अब मुझे भी शहादत की इजाज़त दीजिए कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जनाब जॉन जो हैं वो एक गुलाम की हैसियत से जैसे मैंने कहा पहले अबू अबूजल गफ़्फ़्फ़ारी के गुलाम फिर उसके बाद इमाम हुसैन की खिदमत इमाम हसन की खिदमत फिर इमाम हुसैन की खिदमत तो अब जब यहाँ पर जनाब जौन आए हैं इमाम हुसैन की खदमत में इजाजत लेने तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब जॉन से इशाद फरमाया मेरी तरफ से इजाजत है इमाम किस चीज़ की इजाजत देते हैं इमाम कह रहे हैं कि ए जॉन मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि आप जहाँ जाना चाहें चले जाए इतना क्योंकि आप तो हमारे लिए हमारे पास हमारे साथ थे आफियत की खातिर सुकून की खातिर आराम की खातिर कि आपको आफियत की खातिर आप हमारे साथ मौजूद थे फान्नमा जबनाबन आफिया फला तब तल बे तरीक़तना तो अब हमारी वजह से अपने आप को मुश्किल में और मुसीबत में और तकलीफ़ में और परेशानी में ना डालिए फला बेतरी ना हमारे रास्ते पर चलते हुए हमारे साथ अपने आप को मुसीबत और परेशानी में ना डालिए यहाँ इमाम ने जनाब जॉन को ये कहा है इमाम ने फरमाया कि जॉन मेरी तरफ मेरी तरफ से जनाब जॉन ने इजाजत मांगी शहादत की इमाम हुसैन ने इजुन दिया कि मेरी तरफ से आप आजाद हैं आप जहां चाहे चले जाए आप हमारे पास आफियत की हजत लेकर आए थे आफियत की ख्वाहिश लेकर आप हमारे साथ थे अब चूंकि मुसीबत का मरहला है तो आपको आजादी है कि आप जहाँ चाहे चले जाए इस बात पर जनाब जॉन की आंखों से बेअ्तियार आंसू निकल पड़े और जनाब जॉन ने अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों पर गिरा लिया और उनके कदमों पर गिरकर जनाब जॉन फरमाते हैं क्या फर्जंदे रसूल क्या ये मुमकिन है कि मैं आराम और राहत की कैफियत में तो आपके साथ रहूं और जब आप पर मुसीबत का वक्त हो तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊं मैं दुश्मनों के दरमियान आपको तनहा छोड़ दूं और फिर जॉन ने कुछ जुमलात कहे जॉन कहते हैं क्या कह मेरे आका ए मेरे मौला मैं जानता हूं कि मेरे बदन से बू आती है मेरा हज पस्त है और मेरा रंग स्याह है अब मुझे जन्नत देकर ये यकीन है जॉन की यकीन की कैफियत इमाम से फरमाते हैं कि अब मुझे जन्नत देकर मुझ पर एहसान कीजिए ताकि मेरे बदन से खुशबू आए ताकि मेरा रंग सफेद हो जाए और मैं इज्जत शराफत हासिल कर सकूँ और खुदा की कसम मैं हरगिज आपसे जुदा ना होगा यहां तक कि मेरा खून आपके खून से मिल ना जाए इमाम हुसैन ने जब जॉन की यह वफादारी देखी तो उन्हें मैदान में जाने की इजाजत दी और फिर जब वो निढाल होकर करबला की जमीन पर गिरे हैं एक मरतबा इमाम को सलाम पेश किया सलाम अल्ह के अबा, अबा अब्दुल्ला हर शहीद की तरह हर शहीद के लाशे पर इमाम हुसैन आलाम दौड़ कर पहुँचे हैं जब जनाब जॉन की तरफ से सलाम की आवाज़ आई इमाम हुसैन आनाब जॉन के लाशे तक पहुँचे और एक मरतबा दुआ के लिए हाथ उठाए कि अल्लाज तय ब्री वाह मबरार इसके चेहरे को पुरूर बना दे इसके चेहरे को रोशन कर दे इसके जिसम से खुशबू निकले और इसका जो इसको अबरार के साथ करार दे और इसको मोहम्मद वाल मोहम्मद सल वसलम और इसके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा वाकफ़ियत औरबत करार दें ये वो दुआया क़लिमात हैं जो जनाब जॉन को हज़रत मामैन आसलम ने मुखातिब करके फ़रमाए मैदान करबला में और फिर ये तारीख़ गवाह है कि शहादत के बाद जब मैदान करबला में शहीदों के लाशें बिखरे हुए थे तो एक लाशा था कि जिसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी और ये किसी और का नहीं जनाब जॉन का लाशा था जिन्होंने मामे हुसैन से ये दस्त बस्ता गुजारिश की थी कि मुझे जन्नत देकर मुझ पर एहसान फरमाइए है आलम हमें करबला से दर्स हासिल करने की तोफ़ी फरमाए इन हमारे शुमार इमाम जमाना ताला के तरजम एवान में हो इनशा हमारे मरहूमिन की मफ़िरत हो और आज का एक छोटा सा तहफा जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी दो याद दहानियाँ कि जो हमने बात की थी कि रोज़ाना जितना, जितना ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो सके हम सूर्खलास की तिलावत करके इमाम हुसैन आलम को हदिया करें रोज़ाना मुमकिन हो तो एक तस्वी और कम से कम तीन मरतबा और वो भी ना हो सके तो कम अज़ कम एक मरतबा सूरखलास पढ़ कर इमाम हुसैन आलम की ख़मत में ज़रूर पेश करें दूसरा जो मैंने हमने एक तहिया किया था कि हम रोज़ाना आयत करीमा या तो एक तस्वी यानी ला तसुफाना कन्नी कुत या तो एक तस्वी या कम अज कम पांच मरतबा आयत करीमा का वर्द करके तमाम ममिन मोमिनत के लिए हम दुआ करेंगे कि आलम हर मोमिन और हर ममिना की हर परेशानी और तकलीफ़ को और बीमारी को और आज़ारी को दूर फरमाए इनशा और तमाम ममिन और ममिनात की हाजा जो है कबूल हो जाए दिनी दुनियावी उबी शराी हाजात पढ़ देगा कबूल फरमाए रोज़ाना हमने सुरखलास पढ़ के इमाम हुसैन को अहदिया करनी है रोज़ाना जयत करीमा पढ़ के हमने अपने आ, मुमन मोमनात जो भाई और बहनें उनके लिए हमें दुआएं करनी हैं और तीसरा जो आज का मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी हाजात के लिए जनाब जैनब अलैहा लफ्ज जैनब का जो अदद है वो सिक्सटी नाइन बनता है तो रोज़ाना सिक्सटी नाइन मरतबा कहते हैं कि जो हमें मिलता है लमा बताते हैं कि सिक्सटी नाइन डेज़ तक लगातार सिक्सटी नाइन टाइम्स शलवा पढ़ के जनाब जैन सला को हदिया की जाए और फिर उसके बाद जो दुआ मांगी जाती है वह पढ़म हाँ कबूल फ़रमाता है तो जितना मुमकिन हो सके सिक्सटी नाइन टाइम्स मुमकिन हो सके तो गिन के सिक्स नाइन टाइम्स जनाब ज़ैनब को सलवाद का हदिया पेश करें और अगेन अगर सिक्सटी नाइन टाइम्स ना हो सके तो कम अज़ कम इन दिनों

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عجل لي وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أوانه وانساره في أمان الله